is broken and one is weak. Because I have seen them fall apart, I have no rules apart to play. आज हम जा रहे हैं बुलर लेक, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी लेक है, शायद एशिया की सबसे बड़ी लेक है। पहले लग रहा था हम गलत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है जनरली, लेकिन अब सब कुछ घूम लिया था तो यही बचा था। लेकिन जो व्यू है सुपर्ब, डल लेक से तो बहुत ही तगड़ा व्यू है इसका। बुलर लेक का टोटल डिस्टेंस है जो कि कश्मीर से है वो अराउंड 70-80 किलोमीटर, और 2 आवर्स की जर्नी है, तो कोई इतना खास दूर नहीं है। रोड भी बहुत अच्छी है, हमें टोटल 1.5-2 घंटे लगे यहाँ तक आने में। बुलर लेक पहुंच गए हैं, बहुत ही सुंदर है ये लेक और बहुत ही बढ़िया है, डल लेक से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे हमें एक बहुत प्यारे भैया मिले हैं, जिन्होंने हमें बोला कि मैं आपको बोट राइड पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे वैसे कमर्शियल बोट्स नहीं चलती हैं, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें घुमा लाऊंगा, है ना भैया? हाँ जी, कहाँ पे हम थोड़ा बताएं? इस टाइम बुलर लेक के सामने किनार पर है खड़े, और मेरा नाम है नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, बहुत टाइम। हाँ, बड़ा डर सा लग रहा है मुझे इस कश्ती में, पर सच बताऊं तो। और हम 5 लोग हैं इस कश्ती में, इतनी छोटी सी कश्ती में, क्या बात है। कौन जा रहा? संजय तू आगे जा। आगे जाऊं? ये फोन फाड़ ले, एक सेकंड फोन फाड़ ले, मैं डर लग रहा है, हिलिया नहीं जा रहा मेरे तो। मैं आ जाता हूँ आगे, थोड़ा यहीं बैठूं। एक और भैया आगे जा रहे, क्योंकि 5 लोग तो नहीं बैठने चाहिए थे छोटी सी बोट पे। और यहाँ अंदर पानी आना शुरू हो गया। हाँ, और अंदर पानी आना शुरू हो गया है, अंदर ये बोट के अंदर पानी आना शुरू हो गया। अब तो डर और पड़ता जा रहा है, मेरा फेरन भी गीला हो गया। और आपका क्या नाम है भैया? दानिश अहमद। दानिश अहमद, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हो? पढ़ाई कितनी की? 8वीं पास। तो यहाँ पे लोग कम क्यों पढ़ते हैं? नहीं, बहुत लोग हैं पढ़ते हैं, नहीं कम क्यों पढ़ाई करते हैं? गरीब लोग हैं। पर पढ़ाई तो इतनी महंगी है, या है इतनी महंगी? महंगी तो बन जाते आगे। हाँ, क्योंकि कमाना भी जरूरी है ना? कमाना जरूरी, सही बात। और अब हम जा रहे हैं किनारे से दूर। मेरे पीछे बैठा है सुमित। और मैं बैठा हूँ बिल्कुल बीच में कश्ती के, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डर, हालांकि स्विमिंग मुझे सबसे अच्छी आती है, लेकिन फिर भी डर तो डर ही है। ये कितना गहरा होगा? ये 20-25 फुट गहरा है ये पूरी लेक, और ये लेक पूरी फैली हुई है वहाँ पे वादियाँ, जो हमको सारा हिमालय है। मछली भी पकड़ने जाते हैं कभी कभी? इसमें हम मशीन डालते हैं, मोटर। अच्छा, मोटर लग जाती है? जिससे नहीं चलाते। अच्छा, घर में रखा है, आसान हो जाता है। जाएंगे हम भैया व्यू पॉइंट पे? क्यों नहीं करो, क्यों नहीं करो भैया? ऐश करो, ऐश करो, जब तक मैं हूँ यहाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, सही में बड़ा मजा आ रहा है। यार
have no answers in life. Don't know without you, how will I survive? तूने किया ये? पागल हो गया क्या तू? भाई मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर वोट देखो कैसे हिल रही है। पहले थोड़ी सी ऊपर आई, पानी से थोड़ी सी ऊपर आई वोट। बहुत खतरनाक हो रखा है मामला, इतनी सी छोटी थी। सुमित बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, बैठ जा। ये ज्यादा पंगे ले रहा है, छलांग मारेगा भाई। देख रहे देख, अंगली तो छलांग मारेगा। और यहाँ पे ना चार चार फुट की अंदर वो है मछली, खा जाएगी तेरे को, फिर पता चलेगा। फिर रोता घूमेगा ये, अभी तो हीरो बन रहा है ना। इसको इसको तैरना भी नहीं आता हीरो को, जो ये हीरो बन रहा है। भाई सुबह से ना एक चीज नहीं खाई है मैंने, इतनी तेज भूख लग रही है। भैया खाने का कहाँ मिलता है यहाँ पे? कुछ भी है? कुछ भी खाने का मेरी ही घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, पहले वहीं से खाओ। क्या क्या बात कर रहे हो, बड़ा ही मजा आया। भैया ने मेरे को बहुत डराया, लेकिन गलत बात है, मेरे को मेन डर लग रहा था मेरे कैमरा इक्विपमेंट का। डर निकला ना। और बाय भैया, अपनी बोट रख के वापस आ रहे हैं। अब नज़ीर भाई के हम घर पे जा रहे हैं, जिनके साथ हमने बोट राइड ली थी। और नज़ीर भाई का दिल देखिए, इतना मेरे को गुस्सा आ रहा है। देखो दिखाओ इनको, दिखाओ पहले दिखाओ, ये देखो हमारे लिए प्यारा केक लेके जा रहे हैं। वाओ, पहली बार हम किसी गांव के घर में जा रहे हैं नज़ीर भाई। पहले बार मैं भी खुश हूँ कि कोई मेहमान मेरे घर में आया। ऐसा क्या? इससे पहले भी आए थे, मैं मेरे उनके साथ में चलता हूँ, राहुलपुरा मेरा। अच्छा 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 अच्छा, तो अब हम आ गए नज़ीर भाई के घर में। घर तो कोई है तो नहीं? घर में है, कैमरा से ना बोले ना वो यार। नज़ीर भाई आपका घर तो बहुत प्यारा है।